यो व्हाट्सअप गाइस, हर्ष हियर, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज के वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हम हमारी लेगेस में कौन से इंचेंटमेंट्स लगा सकते हैं, या मैं कहूँ कि आपको अपने पेंट में इंचेंटमेंट्स लगानी नहीं आती, या पेंट ना कहकर मैं कहूँ कच्छा, अगर आपको अपने कच्छे में इंचेंटमेंट्स लगानी है तो वो कौन से इंचेंटमेंट्स आप लगाओगे जिससे आपका कच्छा बन जाए पावरफुल, एकदम सुपर सियान पावरफुल, एकदम खतरनाक तरीके का, जो कि डिफेंड कर ले सबको, सबके अगेंस्ट आपको डिफेंड कर ले। तो यार आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, पूरा देखना, आधा देख के मत जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसा कि यार हर वीडियो में बताता हूँ कि कॉमन इंचेंटमेंट्स कौन कौन सी है। कॉमन इंचेंटमेंट्स क्या होता है वो आपको बताता हूँ। कॉमन इंचेंटमेंट्स वो होती है जो कि सारी चीज़ों में लगती है, लाइक जितने भी आपके पेंट्स हैं, सर से लेकर पांव तक जितने भी चीज़ें आर्मर के अंदर या फिर जितने भी टूल्स हैं, उन सब में जो सेम इंचेंटमेंट्स लगते हैं ना, उन्हें कॉमन इंचेंटमेंट्स कहते हैं। यार आप लोगों को पता होगा मैं क्यों बता रहा हूँ वैसे। तो वो कौन सी इंचेंटमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दो इंचेंटमेंट्स है, और जो सबसे पहले इंचेंटमेंट है वो है अनब्रेकिंग 3। अनब्रेकिंग से क्या होता है कि लाइक अगर मान लो अगर आप लोगों ने जो अनब्रेकिंग है ना, उसे आपने अपने जो आर्मर है, आर्मर नहीं कहूँगा, आपने अपने पेंट में लगा लिया। अपना पेंट कहाँ है वो पेंट मैं आपको बताता हूँ। और अनब्रेकिंग को लेते हैं, ठीक है, अनब्रेकिंग को लेते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं और ये रही अनब्रेकिंग 3। अब मैं जाता हूँ फर्स्ट पर्सन में। पर्सन क्या होता है भाई, पर्सन में जाना है अपने को। तो फर्स्ट पर्सन में जाने के बाद मैं एनविल को रखता हूँ और लगाता हूँ अपने पेंट्स में अनब्रेकिंग 3। तो जब आप लोग अपने पेंट में अनब्रेकिंग 3 लगा लोगे तो उससे होगा क्या कि मान लो आपने ये जो पेंट है पहन रखा, ठीक है, और आप पे कोई 50 हीरो चला रहा है और 50 के बाद ये टूट रहा है, तो अगर आप लोग इसमें अनब्रेकिंग 3 लगा लोगे ना तो ऑलमोस्ट ट्रिबल या फिर चौबल हो जाएगा। लाइक पहले 50 में टूट रहा था, लेकिन फिर जब आप इसमें लगा लोगे अनब्रेकिंग 3 तो फिर ये शायद 150 में टूटे या 150 के बाद 200 में टूटे। तो यही यूज़ है इसका, एंड हाँ यही चीज़ है बाकी। सो यही यूज़ है अनब्रेकिंग का, आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स आप लोग समझ गए होंगे यार। और जो दूसरी कॉमन इंचेंटमेंट है वो है मेंडिंग। मेंडिंग तो काफ़ी सारी इंचेंटमेंट में लग जाती है, मतलब अनब्रेकिंग भी लगती है। तो मेंडिंग का क्या यूज़ है, पहले आप लगा देते इसमें तो इसका क्या यूज़ है, मान लो कि आपने इसे पहन रखा है, ठीक है, आपने इसे अपने कच्छे पे पहन रखा है, और अब आपके सामने कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिससे कि आपको एक्सपी मिल रही है, तो आपका जो पेंट है ना वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। जी हाँ, आपको वापस से एक पेंट बना के एनविल से रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा मेंडिंग के साथ। तो यही यूज़ है मेंडिंग का। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार जब तूने मेंडिंग लगा लिया तो फिर अनब्रेकिंग क्यों लगाता है, तो देखो ज़रूरी है लगाना, क्योंकि हर वक्त आपको मेंडिंग नहीं एक्सपी नहीं मिलती, ठीक है, और आपका आपका जो वो क्या कहते हैं अपना जो पेंट है कच्चा है वो टूट भी सकता है, तो इसीलिए अनब्रेकिंग 3 लगाना ज़रूरी है सारे टूल्स में। और नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, लेकिन अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो लगाना, ठीक है। अब ये तो हो गए कॉमन इंचेंटमेंट्स, लेकिन अब जो मेन इंचेंटमेंट्स हैं वो कौन कौन से है, तो सबसे पहली इंचेंटमेंट है प्रोटेक्शन 4। हाँ, प्रोटेक्शन है और उसकी जो मैक्सिमम लेवल है वो 4 तक है। वैसे तो काफ़ी सारी प्रोटेक्शन की चीज़ें, लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लास्ट प्रोटेक्शन होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो काफ़ी सारी प्रोटेक्शन होती है माइनक्राफ्ट में, जैसे ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, लेकिन ये सब मेन बेस्ट नहीं है। बेस्ट कौन सी है, सिर्फ प्रोटेक्शन वाले। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसमें आपको सिर्फ बेस्ट इंचेंटमेंट्स बताने वाला हूँ, बाकी के इंचेंटमेंट्स को आपको नहीं बताने वाला। तो प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन से क्या होगा कि मान लो कि आप फायर में गिर रहे हो, आपके ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, या फिर आपको किसी भी तरह से कोई अटैक कर रहा है, तो आपको ये सबसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप लोग और कोई सी इंचेंटमेंट लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने जो लेगिस है उसमें आपने लगाया ब्लास्ट प्रोटेक्शन, तो वो सिर्फ आपको ना ब्लास्ट से सेव करेगा और बस यही होगा। लेकिन अगर आप लोग उसमें लगा लेते हो प्रोटेक्शन, तो ये आपको सारी चीज़ों से सेव करने वाला है। लाइक अगर आपके आप लावा में गिर रहे हो तो भी आपको सेव करेगा, आप ब्लास्ट से जा रहे हो तो आपको बराबर में सेव करेगा, अगर आप पे कोई मॉब अटैक कर रहा है तो भी आपको बराबर में ही सेव करेगा। तो सबसे सही इंचेंटमेंट है ये, तो आपको प्रोटेक्शन ही लगानी है, ठीक है। अपने इसमें आपको अपने जो कच्चे हैं, अपने कच्चे में आपको प्रोटेक्शन वाली इंचेंटमेंट लगानी है और कोई से आपको नहीं लगानी है। ओके, तो जो नेक्स्ट एंड लास्ट इंचेंटमेंट जो कि आप अपने लेगिस में लगा सकते हो या फिर आपने जो कच्चे में लगा सकते हो, वो है थ्रोन्स। अब थ्रोन्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, कांटे। तो इससे क्या होता है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, मतलब आप जब इसे अपने
लेगिस में लगा लोगे, लाइक मैंने अपने लेगिस में लगा लिए हैं, तो अभी लगाने दो। हाँ, तो जब आप इसमें आप अपने लेगिस में से लगा लोगे तो होगा क्या? हाँ अच्छा, मैंने पेन लिया ना। हाँ, तो जब आप अपने लेगिस में थ्रोन्स लगा लोगे तो आप पे कोई भी अटैक करेगा, फिजिकली अटैक, लाइक वो किसी भी तरह से अगर कोई मॉब आप पे अटैक करते हुए टच हो रहा है ना, तो उसको भी डैमेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके इसमें कांटे लग जाएंगे, तो भी ऐसी बात है, अगर वो आपसे टच होगा तो उसको डैमेज मिलने वाला है। तो यही बेस्ट इंचेंटमेंट से आपके जो क्या कहते हैं इसे लेगिस उसके लिए, और यही इंचेंटमेंट से यही इंचेंटमेंट्स रहने वाली है। और आई होप कि आपको इंचेंटमेंट्स अच्छे लगे होंगे, और यही इंचेंटमेंट्स थे जो कि बेस्ट थे। और अगर आपको सही इंचेंटमेंट्स मिल चुके हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी।